हेलो, मैं डॉक्टर मोहित मदान हूँ। आई एम एन हिप नी शोल्डर स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे शोल्डर पेन के बारे में, जो कि जिरैटिक पॉपुलेशन या फिर अबव 45-50 ईयर्स के एज में जो कारण होते हैं शोल्डर पेन का, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। शोल्डर जॉइंट आपका दो बोन से मिलने से बनता है। इनफैक्ट एक जो है हिमरस है, दिस इज हिमरस, दिस इज आर्म बोन एंड दिस इज स्कैपुला। स्कैपुला जो है उसमें एक कैविटी होती है जिसको हम ग्लेनॉइड कहते हैं। उसमें बॉल लाइक जो हिमरस का अपर एंड है, जो कि आर्म बोन का एक गोल आकार का एक हिमरस का अपर एंड है, वो जॉइन होता है, जो कि सराउंडेड होता है कुछ लिगामेंट से, कैप्सूल से, आपके मसल से बेसिकली, जो कि एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जो फीमेल्स हैं, जो कि या मेल पेशेंट्स हैं जिनकी एज 45, 50, 55 या उसके अबव होती है, वो अक्सर हमें कंप्लेन करते हैं कि उनको रात में ज़्यादा परेशानी होती है, जब सुबह उठते हैं तो कंधे में दर्द रहता है। अमूमन इस तरीके से वो शोल्डर पेन को इनिशियली फील करती हैं और धीरे धीरे वो काफ़ी समय तक रहना या पूरे दिन रहना शोल्डर पेन में कन्वर्ट हो जाता है। और अक्सर ये भी होता है कि वो एक स्टिफनेस धीरे धीरे करके डेवलप हो जाती है शोल्डर जॉइंट में। हमारे पास जब वो आते हैं, तब आते हैं कि जब उनका जो है शोल्डर जॉइंट काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो चुका होता है और 2 या 3 महीने से वो उससे परेशान होती हैं। तो उसमें मेरी एक सलाह ये होगी कि जैसे ही आपका शोल्डर पेन स्टार्ट हो जाए और वो 10 दिन से ज़्यादा हो, तो आप ज़रूर एक स्पेशलिस्ट की सलाह ले लें, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एक कारण होगा, एक स्ट्रक्चरल कॉज होगा बेसिकली, जिसको फाइंड आउट करके और एक टारगेटेड थेरेपी से, मतलब जो एक प्रॉब्लम है उसको अगर हम टारगेट करेंगे तो हम जल्दी से आराम पा सकते हैं। और अगर हम उसको लिंगर ऑन करते रहेंगे 2-3 महीने के लिए, तो उसको ट्रीटमेंट करने के बाद भी हमें जो है उसमें या तो पूरा आराम नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो आज हम जानेंगे क्या क्या कॉजेज़ होते हैं बेसिकली। जो इस एज ग्रुप में जो कॉजेज़ हमने जो देखे हैं ज़्यादातर, वो ये होता है कि जो उसके आसपास की मांसपेशियां होती हैं उसमें सूजन आ जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि वो फट भी जाती है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, या तो हाथ हम पीछे ले जाने वाली एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, या जो जिन एक्टिविटीज़ में हम हाथ ऊपर ले जाते हैं, जैसे कि अगर मैं इस मॉडल में ये हाथ को ऊपर ले जा रहा हूँ या पीछे ले जा रहा हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि ये दोनों जो ऊपर की हड्डी है, एक ये वाली जिसको हम एक एक्रोमियन कहते हैं बेसिकली, दिस इज़ एन एक्रोमियन प्रोसेस एंड दिस इज़ हेड ऑफ ह्यूमरस, ये हेड ऑफ ह्यूमरस है और ये एक्रोमियन प्रोसेस है। तो इस तरीके से ये ऊपर जाता है और बीच में जो मांस होते हैं बिकॉज ऑफ मसल इम्बैलेंस, कई बार वो दोनों हड्डियों के बीच में प्रेस होता है और बार बार प्रेस होने की वजह से उसमें सूजन आ जाती है और दर्द होता है। और उसको अगर हम नज़रअंदाज करें तो कई बार वो फट भी जाता है, और अगर एक बार वो फट जाए तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा टीडियस मुश्किल हो जाता है, और उसमें हमें कई बार कुछ इंटरवेंशन जैसे आर्थरोस्कोपिक सर्जरीज, लेज़र सर्जरी, जो कि हम बहुत कॉमनली कर रहे हैं नी हिप शोल्डर क्लिनिक में, वो हमें करना पड़ता है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। बट अगर हम इनिशियली उसको ट्रीट करें तो हम फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और कुछ मेडिसिन से और कुछ प्रिकॉशन से उसको हम डील कर सकते हैं। दूसरा कॉज जो इसमें हमने देखा है, बिकॉज हमने अभी आपको बताया कि ये जो है प्रोसेस, ये एक्रोमियन प्रोसेस होता है, इसके नीचे जो एक झिल्ली होती है उसमें कई बार सूजन आ जाती है। उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर इसमें सूजन आ जाएगी, दोनों हड्डियों के बीच में एक झिल्ली में सूजन आ जाएगी, तो फिर इसका स्पेस कम हो जाएगा, आपको हाथ ऊपर ले जाने में या पीछे ले जाने में परेशानी होगी। इसमें भी अगर ऐसा आपको सिम्टम आएगी जिसमें आपको हाथ ऊपर ले जाना, पीछे ले जाने में प्रॉब्लम आने लग रही है, तो आप इमीडिएटली किसी भी जॉइंट स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, वो कॉज फाइंड आउट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करेंगे। थर्ड कॉज होता है बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, या एक पुरानी कोई चोट, अगर हम बोलें कोई पुरानी चोट जिसको हमने नज़रअंदाज किया, वो लिंगर ऑन करती गई धीरे धीरे करके, उस चोट में कुछ भी हो सकता है। एक्सरे अक्सर उसमें इनिशियली नॉर्मल आते हैं, क्योंकि हमारी एक्सरे सिर्फ हमारी हड्डियों को दिखाते हैं जिसमें वो मांस नहीं आता है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता कौन सा मांस फटा है। तो कोई भी ऐसी हड्डी की चोट जो कि 4-6 हफ्ते या 2 या 3 महीने से ज़्यादा आपको परेशान कर रही है, तो डेफिनेटली एक जॉइंट स्पेशलिस्ट की आपको एक सलाह लेनी चाहिए, जिससे कि वो एक एग्जैक्ट कॉज आपकी जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, अगर आपके डॉक्टर ने, इनिशियल ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बताया कि आपकी हड्डी ठीक है बिल्कुल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको 2-3 महीने से शोल्डर में पेन हो रहा है, तो डेफिनेटली एक जॉइंट स्पेशलिस्ट की आप सलाह ज़रूर ले लें। हो सकता है कोई मांस ऐसा फटा हुआ हो जो आगे चल के आपको परेशान करे, जिसको इनिशियल या फेज़ में हम काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं, जिससे आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ केसेज ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं जिसमें कि ये जो कवरिंग है ये फटी होती है, उसके कारण धीरे धीरे करके कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो उसको नज़रअंदाज कर देंगे, भैया हमें तो सिर्फ ऊपर ले जाने में या पीछे ले जाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, वो कभी होती है सर्दियों के टाइम में, और गर्मियों में ठीक हो जाती है,
और जब ज्यादा काम करते हैं तभी होती है। तो वो धीरे धीरे करके क्या करता है, बेसिकली एक अलाइनमेंट जो आपकी, अगर कोई मास है यहाँ से फटा है तो वो एक जो बैलेंस मैंने बताया एक बना होता है मांसपेशियों से, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप जानते हैं कोई भी गाड़ी में अगर टायर है उसका अलाइनमेंट ठीक ना हो तो वो जल्दी घिस जाता है, तो वैसी घिसावट फिर आपके शोल्डर ज्वाइंट में हो जाती है, जिसका इलाज अगर लेट स्टेज पे हो तो फिर हम उसको ज्वाइंट रिप्लेसमेंट ही करना पड़ता है। अगर हमें दर्द से पूरी तरीके से आराम चाहिए, जो सर्जरीज हम नी हैप शोल्डर में डेफिनेटली काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं और उसकी ज़रूरत ना पड़े, ये हमारी सबसे पहले कोशिश रहती है हमारे क्लिनिक में। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे मैंने बताया कि अगर वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन से ज़्यादा पेन लिंगर ऑन कर रहा है तो एक जॉइंट स्पेशलिस्ट को दिखाएं, या पुरानी कोई चोट है जो कि 3 महीने से ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है तो भी एक जॉइंट स्पेशलिस्ट को दिखाएं। थैंक यू।